रीवा के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करियर दिशा पर सेमिनार आयोजित हुआ है। साधना न्यूज और कौटिल्य एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम रखा गया है। कौटिल्य एकेडमी के प्रोफेसर खुश बैरागी और लव बैरागी ने स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस में सफलता हासिल करने की जानकारी दी है। प्रोफेसर खुश बैरागी ने स्टूडेंट्स को योजना बनाकर स्टडी करने के गुर सिखाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स जानकारी के अभाव में सिविल सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स उच्च पदों पर स्थान बनाए, सिर्फ जानकारी के अभाव में पीछे नहीं रहे। यहाँ पे जो बताया गया कौटिल्य एकेडमी के हिसाब से, तो यहाँ पे मतलब अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं, हम कहीं इधर उधर भटके नहीं ट्वेल्थ के बाद में, और हम अपना एक मतलब मोटिव रखें मतलब लक्ष्य के लिए कि मतलब आगे ट्वेल्थ के बाद हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही अच्छा लगा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे जो UPSC इंटरनेशनल जो वो है एग्ज़ाम है, उसमें हम मतलब कैसे अपना वो कर सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, कैसे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसके लिए मतलब यहाँ पे जो जानकारी दी गई। मुझे इससे क्या है कि अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे किधर जाना है। आप लोगों ने जो ये लेक्चर दिया, अभी आपने गाइड दिया है हमको, तो इनको ये लगे कि मुझे NDA में जाना है, UPSC जाना है, MBBS करना है या मेडिकल में जाना है। इससे उनको गाइडेंस मिलता है और इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं बच्चे और अपना गाइड मतलब अपना करियर का। दिल्ली अकेडमी जो इंदौर से आए हैं, इनके द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में ट्वेल्थ के बाद इसके बाद किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। उन्होंने कुछ मोटिवेशन दिया जिससे हमारा मोटिवेट हुए हैं और भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अतिरिक्त खासकर उन्हें IAS में किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसके बारे में बताया। इससे हमें काफ़ी प्रेरित हुए हैं और उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसा कि सबको विदित है, कौटिल्य एकेडमी और साधना न्यूज़ मिलकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल कॉलेज में जाके करियर दिशा सेमिनार को आयोजित कर रहा है। उद्देश्य यही है कि जो बच्चे भी 10th पास आउट करके 11th में जा रहे हैं या 12th पास आउट करके कॉलेज में जाने वाले हैं, आजकल बच्चों में भटकाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। भटकाव के कारण वो सही दिशा को नहीं चुन पा रहे हैं, जिससे उनकी बाद में दशा बिगड़ती जा रही है। तो स्कूल के सारे जितने भी स्टाफ लोग हैं, बच्चों के साथ मिलकर हम केवल ये बता रहे हैं कि सिविल सर्विसेज यानी सरकारी जॉब में जाना कठिन है नहीं है। बच्चों के डाउट्स को क्लियर करना, एग्ज़ाम कितने पैटर्न्स पे होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो भी उनके एक मानसिक डाउट होता है, भटकाव होता है, तो डिमोटिवेशन कैसे बचा जाए, इन सारे प्रश्नों को हल करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। आज जैसे कि हम आए हैं अपन डालागढ़ में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, यहाँ पर उमा शंकर पाठक जी जो कि प्राचार्य महोदय हैं, इंचार्ज जो प्राचार्य महोदय हैं हमारे अरविंद पांडे जी, और साथ ही साथ बॉटनी के जो अध्यक्ष हैं हमारे कमल किशोर शुक्ला जी, उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ हमारा सेमिनार आयोजित करवाया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि उनके बच्चे भविष्य में भारत की रूपरेखा तैयार करें। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजय बैरागी है और मैं कौटिल्य एकेडमी वर्तमान में इकोनॉमी का फैकल्टी हूँ। कौटिल्य एकेडमी इंदौर के द्वारा, इंदौर टीम जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरालनगर में आई और बच्चों के बीच में उन्होंने अपनी बातों को शेयर किया और बच्चों ने बहुत ही मनोयोग से उसे सुना और बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी टीम के द्वारा जो भी बच्चों को फ्यूचर को लेकर के जो भी बताया गया, उससे निश्चित बच्चे इंस्पायर होंगे और आपसे कनेक्ट होंगे और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कमल किशोर शुक्ला। मैं इसी कैंपस में, हमारे दो कैंपस हैं, एक सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निरालनगर, एक सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय निरालनगर जो PG कॉलेज है। मैं इस महाविद्यालय में बॉटनी डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष हूँ। मैं समझता हूँ कि कौटिल्य अकेडमी जो है अपने यहाँ, अपने रीवा में भी चल रही है, उसकी ब्रांच यही है, और इंदौर से आप लोग पधारे हैं, तो ये जो आज दिशा निर्देश दिए गए बच्चों के लिए अवश्य ही एक महत्वपूर्ण पाथ है जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 12th कक्षा पास करके अभी बच्चे निकलने वाले हैं अपने यहाँ से, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन होगा। और बच्चे श्रद्धावान हैं ऐसा मैं मानता हूँ, श्रद्धा से सुने भी हैं, तो जैसा गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति।
बच्चों पर निश्चित रूप से असर पड़ा है। हमारे विद्यालय में जो संस्कार दिए जा रहे हैं वो संस्कार इनको पकड़ के रखने में, ये मार्गदर्शन जो दिए गए उस मार्गदर्शन को पकड़कर और उसी रास्ते पर चलने के लिए इनको प्रेरित करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं कौटिल्य अकेडमी के जो हमारे अतिथि आज यहाँ पधारे हैं उनको मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ कि वो यहाँ आकर अपना अमूल्य मार्गदर्शन हमारे बच्चों के बीच शेयर किए, यही मैं कहना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? क्या पता? मेरा नाम अरविंद पांडे है, मैं यहाँ वरिष्ठ व्याख्याता अंग्रेजी विषय में हूँ, साथ ही यहाँ प्रभारी प्राचार्य पद पर भी रहता हूँ प्राचार्य जी की अनुपस्थिति में।